हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 27 मार्च 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस, द हिंदू के एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों यह एनालिसिस एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी पर बेस्ड होगा। हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ। इन क्लास भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लास के रूप में ऑनलाइन मेरे ऐप माई एग्जाम स्टडी, जिसका नाम है ऐप का, उस पर अवेलेबल है। और यह ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बहुत कम फी में, बहुत रीजनेबल फी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स फाउंडेशन इंग्लिश का, जिसमें रीडिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग वोकैबुलरी और ग्रामर चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ज़बरदस्त कोर्स है। हर एक चैप्टर में 200 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिए गए हैं उनके पीडीएफ, और इस ऑनलाइन कोर्स में भी उनके पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन के साथ डेली लाइव क्लासेस हैं पूरे कोर्स के लिए। 2 साल की वैलिडिटी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट है, डाउट क्लियरेंस सेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है ये वाला। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको लाभ उठाएंगे इस कोर्स का। और अब आप देख रहे स्क्रीन पर सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। उस कोर्स के बारे में अगर कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन का, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बीच में से स्किप ना करें क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डेली की तरह, ठीक है। चलिए, डेडली ट्रेल, भयानक रास्ता। कितना भयानक? जानलेवा। यदि कोई चीज डेडली है तो जानलेवा है, ठीक है। किस पर है ये एडिटोरियल? मुंबई कोविड-19 हॉस्पिटल फायर जो हो गया था, कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया मुंबई में, उसमें आग लग गई, उसी पर है आज का एडिटोरियल। देखिए टैगलाइन क्या है, द मुंबई हॉस्पिटल फायर शोज दैट इंडिया नीड्स टू मेक पब्लिक सेफ्टी एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मुंबई हॉस्पिटल फायर ये दर्शाता है, साबित करता है कि भारत को ज़रूरत है कि वो पब्लिक सेफ्टी को एब्सोल्यूट वैल्यू बनाए, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दे, उसको इम्पोर्टेंस दे अपने पॉलिसीज में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, V5 यूज़ किया गया है क्योंकि मुंबई हॉस्पिटल फायर जो सब्जेक्ट है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दैट्स कंजंक्शन से दूसरा क्लाउज जोड़ा गया है जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इंडिया एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। नीड के बाद 2+V1 आता है, हमेशा की तरह 2+V1 आया है। तो बोलिए क्या 2+V1 के जगह और कुछ यूज कर सकते थे? नहीं भाई, देखिए सब्जेक्ट के बाद नीड हो तो इस नीड को हमेशा दो ही टेंस में यूज कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले इसको समझ लें, या तो पास्ट इंडेफिनिट में, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया, इसके बाद या तो आप कोई नाउन यूज करो, या तो 2+V1 यूज करो, या तो V4 यूज करो, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो यहां 2+V1 की जरूरत है क्योंकि सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। तो सलाह दिया जा रहा है तो नीड के बाद 2+V1 होता है। कभी कभी ये 2+V1 2B+V3 पैसिव वॉइस की जरूरत रूप में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं आवर पब्लिक बिल्डिंग्स, जरा सा ये थोड़ा गंदा लिखा गया, इसको साफ कर देते हैं और फिर से एक सेंटेंस लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरुआत से ही कितना इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, इसलिए आप बीच में स्किप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कहां पर क्या इंपॉर्टेंट आने वाला स्ट्रक्चर। आवर पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स कहा जाता है जहां सार्वजनिक कार्य होते हैं ना, नीड टू बी प्रोटेक्टेड, टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट फायर, है ना। अब आप देखिए यहां पर क्या आप देख रहे हैं, नीड के बाद जो आ रहा है 2B+V3, यानी 2+V1 का ही पैसिव वॉइस आ रहा है ना। उसी तरह की एक एग्जांपल और लेते हैं, ही नीड्स टू बी, द रूम के साथ करते हैं, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, द रूम
नीड्स टू बी क्लीन्ड। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कि यहां भी क्या है, टू प्लस वी वन के जगह टू बी प्लस वी थ्री, जब पैसिव वॉइस का सेंस देना रहता है तब, क्योंकि यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है डूअर नहीं है, ये जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है, तो ये पैसिव वॉइस हो गए, द रूम नीड्स टू बी क्लीन। जहां जहां ऐसा सेंटेंस आ जाए वहां वहां आप बिफोर बी यूज कर सकते हैं, द रूम नीड्स क्लीनिंग, ये और ये बिल्कुल सही होगा। तो आपको समझ में आया कि नीड के बाद बिफोर कब यूज होता है, नीड के बाद टू प्लस वी वन चाहिए या तो नाउन चाहिए, आई नीड मनी नाउन है, यू नीड सम नॉलेज नाउन है, नॉलेज मनी नाउन है, नीड के बाद मनी नॉलेज द्वारा नाउन है। अब टू प्लस वी वन कब होता है, जब सलाह देते हैं, यू नीड टू स्टडी हार्ड, तुम्हें जरूरत है मन लगाकर पढ़ने की, आई नीड टू टीच सिंसियरली, मुझे जरूरत है सिंसियरली पढ़ाने की। लेकिन कभी कभी पैसिव वॉइस का अर्थ आता है, कमरे को साफ किए जाने की जरूरत है, कमरा को साफ किए जाने की जरूरत है, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। तो जो टू बी क्लीन्ड यहां पैसिव वॉइस आ रहा है, तो ये तो लिख ही सकते हैं, सही है, हम चाहे तो उसके जगह क्लीनिंग भी लिख सकते हैं, बिफोर भी लिख सकते हैं उस स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक सेंटेंस में जहां जहां स्कोप रहेगा इस तरह के पॉइंट्स बताने का हम बताते चलेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा, बीच में हटिएगा मत, ठीक है, क्लास में से। फायर फाइटर्स किनको कहते हैं बताइए, फायर फाइटर्स कहा जाता है उन लोगों को जो दमकल गाड़ियों के साथ चलते, दमकल गाड़ियां समझते हैं ना, दमकल गाड़ियां फायर फाइटिंग वाली गाड़ियां है ना जी। कीप फायर फाइटर्स, देखिए यहां पर सब्जेक्ट है भैया, प्लूरल सब्जेक्ट है, समझिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो भी बनाएगा ना। कीप रिमाइंडिंग पीपल, कीप के बाद जो वर्ब अगर आ जाए तो भी फोर होता है, लोगों को याद दिलाते रहते हैं, कीप रिमाइंडिंग याद दिलाना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, कीप रिमाइंडिंग, फायर फाइटर्स लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि फायर इज ए गुड सर्वेंट, आग एक अच्छा सर्वेंट है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बहुत बुरा मास्टर है। मतलब क्या है कि जब तक फायर को आप अपने कंट्रोल में रखोगे ये आपके बहुत काम आएगा, और जिस दिन फायर आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश किया, उस दिन आपको तबाह कर देगा, बिल्कुल सही बात है। एंड द ब्लेज, रिलेटिव प्रोनाउन है आफ्टर दैट, द ब्लेज आग जो एनगल्फ्ड, दैट एनगल्फ्ड जो एनगल्फ कर गया, निगल गया एक प्राइवेट कोविड 19 हॉस्पिटल को मुंबई के भांडप एरिया में थर्सडे नाइट को, कम्स एज ए रिमाइंडर, ये ब्लेज। देखिए अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर से ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए वर्ब यहां आ रहा है, बी फाइव आ रहा है। तो बोलिए सर बाकी ये सब क्या है सर, तो ये एक रिलेटिव क्लाउज है, ठीक है। बोलिए सर रिलेटिव क्लाउज किस लिए यूज किया गया, ताकि इसको डिफिनेट, इसके बारे में और जानकारी दे दिया जाए कि ये कौन सी आग की बात हो रही है। तो उसी आग की बात हो रही है जो भांडप एरिया में थर्सडे नाइट को एक प्राइवेट कोविड 19 हॉस्पिटल को निगल गया, वो जो आग है, वो जो ब्लेज है, कम्स एज ए रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के रूप में सामने आता है। रिमाइंडर किस चीज का, तो रिमाइंडर ऑफ हाउ ट्रू दैट एक्सियम इज, कि ये जो एक्सियम है, ये एक्सियम, ये जो कहावत है, ये कितना सच्चा है, ठीक है। अब यहां पे एक कॉमन एरर पॉइंट आ रहा, देखना चाहेंगे आप लोग, देखिए इज तो यहां पर हाउ के बाद, देखिए हाउ ट्रू और उसके बाद दैट एक्सियम और उसके बाद वर्ब यहां पे दिया गया है। आप में से कुछ सोचेंगे कि सर हाउ यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम लोग यहां क्यों नहीं लिखते, हाउ ट्रू इज दैट एक्सियम। देखिए बच्चों ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वर्ड, समझिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड इंडिपेंडेंट रहे सेंटेंस में, तब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आप समझो मेरी बात। लेकिन जब यही क्वेश्चन वर्ड वाला क्लाउज किसी अन्य क्लाउज के आगे या पीछे जुड़ा रहे, तब ऐसा नहीं होगा, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब उठ के सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो देखिए हाउ ट्रू दैट एक्सियम इज, ये इंडिपेंडेंट एक क्लाउज नहीं है, इसकी ये किसी और क्लाउज के साथ जुड़ा है ना, जुड़ा हुआ, तब जो है ऑक्सिलरी वर्ब को यहां नहीं होना चाहिए, इस सही जगह पर है, सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए इसको, और है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, एटलीस्ट कम से कम 9 people died, 9 लोग मर गए, एज फ्लेम्स एंड स्मोक स्प्रेड थ्रू, एज यहां जब के अर्थ में आया, वेन जब आग और धुआं फैल गया, थ्रू द फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब वो हॉस्पिटल, फैसिलिटी मतलब वो हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर, हाउस्ड इन ए मॉल, जो कि एक मॉल में बनाया हुआ था, सिचुएटेड था या कंटेन्ड था या अकोमोडेटेड था, सिचुएटेड था, ठीक है। V2 एक्चुअली V2 नहीं है, V3 है,
ठीक है, और ये नाउन है, नाउन के बाद V3 आ जाए डायरेक्ट, तो हम तो बताए थे ना कि इसका मतलब है कि ये जो है रिलेटिव क्लाउज को ओमिट करके बनाया गया, विच वॉज हाउस्ड। तो बोलिए आप वॉज ही क्यों यूज किए, इज क्यों नहीं यूज किए, तो आप देखिए पास्ट की कहानी चल रही है ना, तो इसलिए हमको वॉज यूज करना पड़ा, प्रेजेंट की कहानी चलती ना तो हम इज यूज करते। ठीक है, आगे बढ़िए। कमिंग सून आफ्टर द फायर, आफ्टर द फायर उस आग के बाद, दैट स्नफ्ड आउट, जिसने किल कर दिया, V2 है, किल कर दिया द लाइव्स ऑफ इन्फेंट्स को इन भंडारा, अगेन इन महाराष्ट्र। ठीक है, गौर से समझिएगा, वह आग जो नवजात शिशुओं का जान ले लिया, उसके तुरंत बाद होने वाला भंडारा में जिस आग ने नवजात शिशुओं का जान ले लिया, उसके तुरंत बाद होने वाला महाराष्ट्र में फिर से ये जो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी किसके बाद हुआ, उस आग के तुरंत बाद हुआ जिसने महाराष्ट्र में भंडारा में नवजात शिशुओं का आग ले लिया, उसके तुरंत बाद होने वाला यह ट्रेजेडी फोकस करता है किस चीज को, अटेंशन को, सबका ध्यान दिलाता है, फोकस करता है, अटेंशन को मतलब सबका ध्यान खींचता है किस चीज पर, ऑन द फेलियर, असफलता पर। फेलियर किस चीज का, फेलियर के बाद हमेशा 2+V1, फेलियर टू मेक फायर सेफ्टी ए सिस्टमिक इंपेरेटिव, फायर सेफ्टी को एक सिस्टमिक इंपेरेटिव बनाने में, पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर सिस्टमिक इंपेरेटिव बनाने में जो असफलता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचता है। अब पूरे सेंटेंस को एक बार अच्छे से इंटीग्रेटेड तरीके से देख लेते हैं। भंडारा में जिस आग ने नवजात शिशुओं की जान ले ली, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में फिर से होने वाला यह ट्रेजेडी लोगों का ध्यान उस असफलता की ओर खींचता है जिसमें हम लोग पब्लिक बिल्डिंग्स में सिस्टमिक इंपेरेटिव फायर सेफ्टी को बनाने में असफल हो गए। बोले सर सिस्टमिक इंपेरेटिव क्या होता है, तो इंपेरेटिव का मतलब होता है एसेंशियल थिंग, जिसके बिना काम ना चले, और सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टम से रिलेटेड। हमारा सिस्टम ही ऐसा नहीं बन पाया है जिसमें फायर सेफ्टी को पब्लिक बिल्डिंग्स में इंपेरेटिव बना दिया जाए कि भाई सिस्टम ही है, आप पब्लिक बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो आपको फायर सेफ्टी का हर चीज वहां पे रखना होगा। हम लोग इसमें असफल हो रहे हैं, और महाराष्ट्र में होने वाला यह ट्रेजेडी जो उस आग के तुरंत बाद हुआ जिसमें कि भंडारा में नवजात शिशुओं की जान गई, यह ट्रेजेडी हमारा ध्यान इस असफलता की ओर खींचता है। चलिए, देयर इज नो क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी ही नहीं है किस चीज पर, इस बिंदु पर कि वेयर द इन्फर्नो ओरिजिनेटेड, मतलब कोई किसी को साफ साफ नहीं पता है कि यह आग कहां उत्पन्न हुआ, मतलब ये आग कैसे लगी, कहां से शुरुआत हुई, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड और वेदर द हॉस्पिटल हाउस इन ए कॉमर्शियल बिल्डिंग अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो हॉस्पिटल बनाया गया था COVID-19 पेशेंट्स के लिए, वेदर दैट हॉस्पिटल वॉज इक्विप्ड, देखिए यहां पर वॉज इक्विप्ड फॉर द पर्पस, कि क्या इस पर्पस के लिए प्रिपेयर्ड था, वो बिल्डिंग प्रिपेयर्ड था इस तरह के पर्पस के लिए कि वहां हॉस्पिटल बनाया जा सके। ठीक है, तो यहां पर जो वेदर है कंजंक्शन है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और यस नो क्वेश्चन रहता है तो कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज करते हैं, वही वाला चीज है यहां पर। द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स वर इवैक्यूएटेड, खाली किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, एंड एडमिटेड और एडमिट किया गया टू अदर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में मतलब अधिकांश पेशेंट्स को वहां से खाली किया गया और दूसरे हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया। ए सोलैटियम, सोलैटियम मतलब क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अनाउंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, मतलब जो विक्टिम्स के फैमिली हैं जो पीड़ित हुए उस आग से, उनके परिवारों को कॉम्पेंसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। एंड प्रेडिक्टेबल प्रोमिसेस, और जो प्रोमिसेस
प्रेडिक्टेबल थे, जो कि उम्मीद किया जा रहा था कि ये सब तो वादे किए जाएंगे। क्या चीज के वादे किए गए? इन्वेस्टिगेट करने के, इस घटना को जांच करने का, हैव बीन मेड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो घटना के जांच के आदेश पारित कर दिए गए हैं, ठीक है। वादा कर दिया गया कि इसका एक निष्पक्ष जांच कराया जाएगा और जो विक्टिम्स हैं फैमिलीज के, उनको कॉम्पेंसेशन देने की घोषणा कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दीज स्टेप्स डू लिटिल टू चेंज द इमेज ऑफ डिक्रिपिट्यूड, उस कमी या कमजोरी के जो इमेज बन गया है हम लोगों का, उसको चेंज कर पाने में ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन स्टेप्स से वो कमी या कमजोरी का जो इमेज है वो नहीं हटेगा। हालांकि फिर भी इनका स्वागत है, ठीक है। दैट मार्क्स पॉलिसीज ऑन पब्लिक सेफ्टी इन द कंट्री, ठीक है। वो डिक्रिपिट्यूड जो पॉलिसीज की निशानी बन गए, हमारे यहां जो पब्लिक पॉलिसीज बनाए जाते हैं उनमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और ये कमजोरियां निशानी बन गई हमारी पॉलिसीज की। तो ये इमेज को चेंज करने में ये जो स्टेप्स लिए गए हैं घोषणा करने के, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड द जनरली इनएफेक्चुअल नेचर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, इनएफेक्चुअल नेचर है दिस इंस्पेक्शन का, तो उन इंस्पेक्शन से, उन जांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई परिणाम नहीं आएगा, और इन सर्टिफिकेशन से भी कोई परिणाम नहीं आएगा। जैसे काम हो रहा है लापरवाह तरीके से, वैसे ही होता रहेगा। तो इनएफेक्चुअल नेचर का मतलब होता है कि इसका कोई परिणाम नहीं आना है। यदि कोई भी इंस्पेक्शन इनएफेक्चुअल नेचर का है तो वर्षों वर्ष तक वो इंस्पेक्शन चलते रहेंगे, जांच पड़ताल चलते रहेंगे, और इसका किसी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, लेकिन इससे फिर अगला काम वैसे ही होगा, अगली बार कोई काम होगा तो। फायर मे बी एन एक्सीडेंट, आग एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन द आइडिया ऑफ प्रोटोकॉल्स, ये जो प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए जा रहे हैं उसका सोच क्या है, उसके पीछे सोच क्या है? उसके पीछे सोच है टू प्रिवेंट इट, इट मतलब फायर, आग को रोका जाए क्या होने से, फ्रॉम हैविंग ए डिवास्टेटिंग इफेक्ट, कि विनाशकारी प्रभाव ना डाल सके लोगों की जिंदगियों पर, लोगों की प्रॉपर्टी पर। आग दुर्घटना के दुर्घटनावश लगेगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि पब्लिक बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के मेजर्स होने चाहिए और ये सब चीजें पॉलिसीज में, सिस्टम में शामिल होने चाहिए, ये प्रोटोकॉल्स इसलिए किए जा रहे हैं कि दुर्घटना नहीं रुकेगी, लेकिन इस आग वाली दुर्घटना का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है लोगों की लाइव्स पर, लोगों की प्रॉपर्टी पर, उसको तो रोका जा सकता है ना। इट शुड बी पॉइंटेड आउट, यह बात जरूर सामने लाई जानी चाहिए कि आफ्टर ए फायर इन राजकोट लास्ट नवंबर, पिछले साल नवंबर में राजकोट में जो आग लगी थी उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया। कैसा संज्ञान लिया? सुओ मोटो, ठीक है। सुओ मोटो मतलब बाई इट सेल्फ, अपने से संज्ञान लिया, उसको किसी ने बताया नहीं। न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जब न्यूज में देखा या पेपर में पढ़ा तो उनको लगा कि ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए स्थिति को सुधारने के लिए, वरना लोगों की जिंदगी ऐसी जाती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। संज्ञान लेने का मतलब होता है उस पर खोज खबर लेना, कोई घटना का खोज खबर लेना। तो खुद से खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका खोज खबर लिया इस घटना का, एंड इशूड डायरेक्शंस और दिशा निर्देश जारी कर दिए। वन ऑफ विच, उन दिशा निर्देशों में से एक वाज था टू टास्क एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को काम सौंपना विथ फायर सेफ्टी फॉर ईच कोविड 19 हॉस्पिटल, कि प्रत्येक कोविड 19 हॉस्पिटल में एक, मतलब एक ऑफिसर रहना चाहिए जो फायर सेफ्टी का जांच पड़ताल करेगा। बहुत जबरदस्त है। States have only themselves to blame if their officers ignore such guidelines and avoidable fire claims, fires claim lives. ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि states have only themselves to blame, states को खुद जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, खुद को दोष देना पड़ेगा अगर उनके officer जो नियुक्त किए गए हैं ignore करते हैं ऐसे guidelines को, तो
और अगर कोई अवॉइडेबल फायर था जो कि जिंदगियां ले लेता है, क्लेम लाइव्स का मतलब जान ले लेना, तो अगर कोई भी अवॉइडेबल फायर, फायर तो लगेगा, एक्सीडेंट है, लेकिन अगर सुरक्षा का उपाय रखा जाए फायर सेफ्टी का, तो बहुत सारे फायर्स ऐसे हैं जो कि अवॉइड किए जाएंगे, और होंगे भी तो लाइव्स और प्रॉपर्टी पर उतना असर नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर तुरंत काबू कर लिया जाएगा। तो अगर ऑफिसर्स इग्नोर करते हैं इन सब गाइडलाइंस को, तो चूंकि स्टेट ऐसे ऑफिसर्स को इग्नोर करेगा तो स्टेट को खुद ही को ब्लेम करना पड़ेगा कि आपने कैसे आदमी को जिम्मेवारी दी जो ये सब चीज नहीं किया, वो किसी और को जिम्मेवारी नहीं देंगे, फिर स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब चीजों के लिए, अकाउंटेबल होगा। हॉस्पिटल फायर्स आर ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। हॉस्पिटल में लगने वाली आग एक अलग तरह की चीज है। इन द लिटरेचर ऑन सेफ्टी, यानी सेफ्टी के मामले में जितने भी किताबें छपती हैं उनमें यदि देखा जाए तो हॉस्पिटल फायर को एक अलग चीज माना गया है, क्योंकि सिंस क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ इनकैपेसिटेटेड पेशेंट्स, ठीक है, जो पेशेंट्स रहते हैं फिजिकली वीक रहते हैं, इनकैपेसिटेटेड रहते हैं, मतलब उनमें कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो उठ के खुद के उसके भाग सके। ऑक्सीजन सफर्स्ट इन्वायरमेंट्स होता है, ऐसा माहौल होता है जहां ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स करीब करीब सब आईसीयूज में होते हैं, एक्स्ट्रा रखे होते हैं जो आग को भड़काने में बहुत काम करेंगे। प्लेंटी ऑफ एयर कंडीशनिंग, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग होता है वहां पर, एंड लैक ऑफ सफिशियंट फिजिकल स्पेस, और वहां पर फिजिकल स्पेस की कमी होती है, ये सब चीजें क्रिएट करती हैं एक डिवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन को, जब यह डिजास्टर मतलब आग हमला करता है। बिल्कुल सही बात है हॉस्पिटल्स के मामले में। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑफ 2016 इशूड ये जो नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर गाइडलाइंस था जो कि इशू किया गया था, भीतरी आ गया, जरा गौर से देखना फिर से इस नाउन के बाद, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो ना, विच वर इशूड। बोलिए आप वर क्यों लगाए सर, पास्ट की बात हो रही, देखो ना 2016 का बात हो रहा है कि नहीं। इशू किसके द्वारा किया गया था, बाय द एनडीए में, एनडीए में के द्वारा जारी किया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन एड्रेस करता है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स को विथ रिकमेंडेशंस, और रिकमेंड भी करता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स, और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस जारी करता है, रिकमेंड करता है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए और किस तरह का सिस्टमिक सुधार लाने की जरूरत होती है। और सिस्टमिक सुधार किस लिए, फ्रॉम कंपैरेटिव टू अल्टीमेट सेफ्टी। ये सुधार लाएगा किस लिए, सुधार लाया जाएगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेडली फायर्स, ठीक है, कि जानलेवा आग का जो खतरा है उसको कम किया जा सके, और ये जो सिस्टमिक इंप्रूवमेंट्स हैं कंपैरेटिव टू अल्टीमेट सेफ्टी तक के लिए, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर भी येट सेंटेंस के शुरुआत में रहे तो इसका अर्थ होता है फिर भी, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि इवन सम ऑफ द बेसिक रिकमेंडेशंस, कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस भी आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लिगेसी बिल्डिंग्स, लेगेसी बिल्डिंग्स के स्कोप के बियॉन्ड है। लेगेसी बिल्डिंग्स किनको कहते हैं, लेगेसी बिल्डिंग्स जो विरासत में मिला है किसी और काम के लिए, ठीक है, क्रिएटेड फॉर अदर पर्पसेस, और ये बिल्डिंग्स को किसी अदर पर्पस के लिए बनाया गया उनके स्कोप के बाहर है इनमें से कुछ बेसिक रिकमेंडेशन को भी पूरा कर पाना। जैसे कौन से बेसिक रिकमेंडेशन, जैसे सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन स्पेस टू मूव पेशेंट्स इन एन इमरजेंसी। एक छोटा सा रिकमेंडेशन दिया गया था एनडीएमए के द्वारा गाइडलाइंस जो जारी किए गए 2016 में, उसमें कहा गया था भैया कि ओपन स्पेस रहना चाहिए ताकि पेशेंट्स को इमरजेंसी में मूव आउट कराया जा सके उस बिल्डिंग से। तो जो लेगेसी बिल्डिंग्स होते हैं जो अदर पर्पसेस के लिए क्रिएट किए जाते हैं उनमें उस रखे छोटे से एक रिकमेंडेशन को फुलफिल करने का भी स्कोप नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता है, तो उनका पर्पस ही उसको बनाने का कुछ और था, ठीक है, स्ट्रक्चर ही उसका अलग था। व्हाट इज फिजिबल, जो बात प्रैक्टिकल है वो ये है फॉर एक्सपर्ट्स के लिए कि वो मूल्यांकन करें, टू एसेस, एसेस का मतलब मूल्यांकन करना, ठीक है, वैल्यूएट कि वो वैल्यूएट करें, ठीक है, वैल्यू करें, ये अब
किस चीज को, क्वालिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी को, स्पेसिफिकली खास तौर से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के क्वालिटी को, क्योंकि ज्यादातर आग वहीं से पकड़ती है। और सुनिश्चित करें कि रिट्रोफिटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स, कि अगर इस तरह के बिल्डिंग्स को यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल के तौर पे, लेगेसी बिल्डिंग्स को जो कि क्रिएट किए गए थे अदर पर्पसेस के लिए, तो उनको रेट्रोफिट किया गया है कि नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि नहीं, ताकि फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स यूज किया। रेट्रोफिट करने का मतलब उनमें मॉडिफिकेशन करना है, और मॉडिफिकेशन किस से करना है, फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स है, मतलब कि उनको मॉडिफिकेशन करने में ऐसे मटेरियल्स का यूज करना है जो फ्लेम रिटार्डेंट हो। यदि कोई चीज के लिए रिटार्डेंट है तो उसके इंटेंसिटी को कम करने वाला, आग लग भी गया और फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल यूज किया गया है, तो यकीन मानिए कि आग जो है भड़केगा। एंड ट्राइजिंग ऑफ पेशेंट्स टू रिड्यूस क्राउडिंग, और ऐसे बिल्डिंग्स में जो हॉस्पिटल्स बनाए जाए, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स में जो कि लेगेसी बिल्डिंग्स और किसी और काम के लिए क्रिएट किए गए थे, तो वहां ट्रायजिंग ऑफ पेशेंट्स किया जाए ताकि क्राउड कम रहे ऐसे हॉस्पिटल्स में। ये तो ठीक है, फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स यूज करके रेट्रोफिट करना है ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे बिल्डिंग्स को, ताकि फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल रहेगा तो आग पकड़ भी लेगा, तो भड़केगा नहीं आग, ज्वाला नहीं भड़केगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्राउड भी रिड्यूस करना है। क्राउड कैसे रिड्यूस होगा, तो ट्राइजिंग ऑफ पेशेंट्स के द्वारा। ट्राइजिंग ऑफ पेशेंट्स क्या है, इसको समझिए। तो ट्राइजिंग ऑफ पेशेंट्स में होता क्या है ना, कि पेशेंट का क्या बीमारी है, उसका इलाज करने पर वो कितना हद तक सुधार हो सकता है, बिना इलाज के कितना हद तक सुधार हो सकता है, इस सब चीज को मूल्यांकन करना ट्राइजिंग ऑफ पेशेंट्स कहलाता है। तो इस सब के द्वारा पेशेंट्स का संख्या भी कम रखा जाए ऐसे हॉस्पिटल्स में, जिनको कि अदर पर्पसेस के लिए बनाए गए पब्लिक बिल्डिंग्स में बनाया गया यदि हॉस्पिटल को, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत, तो ये सब बातें हैं जो ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। आगे देखिए, रिकरिंग इन्फर्नोज, बार बार होने वाले आग की घटनाएं, शुड ऑल्सो कन्विंस ये स्टेट्स को, कन्विंस इनको, मतलब इन आग की घटनाओं से स्टेट्स को कन्विंस हो जाना चाहिए कि दे मस्ट क्रिएट, दे मतलब कौन, स्टेट्स मस्ट क्रिएट साइंटिफिकली डिजाइंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को वो क्रिएट करें। That meet the needs का मतलब जरूरत को पूरा करना, जो जरूरत पूरा करती हो पॉपुलर सिटीज की, मतलब घनी आबादी वाले शहरों में जरूरी हो जाता है राज्य सरकारों के लिए कि वो वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का निर्माण कराए जो कि घनी आबादी वाले शहरों की जरूरतों को पूरा करती हो। घनी आबादी वाले शहरों की जरूरतों को पूरा करने का मतलब कि उन शहरों में आबादी ज्यादा है तो पेशेंट्स भी ज्यादा होंगे ना। रिवर्सिंग द पॉलिसी ऑफ लीविंग दिस क्रूशियल फंक्शन लार्जली टू फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, देखिए अभी तक जो पॉलिसीज हैं कि इस क्रूशियल फंक्शन को, मतलब ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाने का जो इंपॉर्टेंट काम है, इसको छोड़ दिया जाता रहा सरकारों के द्वारा फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, यानी फॉर प्रॉफिट यानी लाभ कमाने वाले संगठनों के पास। Where the imperative to cure is, इलाज करने का जो जरूरत है वो इसलिए है, often pitted against cost and profit concerns, जो ये संगठन करते हैं क्या कि जो इलाज करने की जरूरत है उसको मूल्यांकन करते हैं, उसको तुलना करते हैं, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है इस बात से, ये तो खतरनाक है ना भैया। चलिए हो गया 27th मार्च के एडिटोरियल का एनालिसिस। बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर्स के रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी आए, नए इंग्लिश वर्ड्स भी आपने सीखा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा। कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताइए अगर आपके लिए काम कर रहा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए, ठीक है। सपोर्ट की जरूरत है उनको भी आपकी, अगर आप तक पहुंच चुका है अच्छा चीज़ तो, और हमको भी, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुंचाएं। ये देखिए बात क्या है ना कि इतना वीडियोस हम आपके लिए देते हैं कि हम खुद शेयर नहीं कर सकते, आपके सपोर्ट से ही होगा। तो आप सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सब ग्रुप में, बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। कोई अलग से पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, ठीक है। नए बैच के बारे में भी जानकारी शेयर कर दें, हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चे हों जो कम खर्च में अच्छे ग्रामर कोर्सेज चाह रहे हों, जिसमें उनको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी और रीडिंग राइटिंग पर भी फोकस करवाया जाए, क्योंकि सिर्फ ग्रामर सीखने से कुछ होगा नहीं रीडिंग राइटिंग और वोकैबुलरी के बिना, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए सीख रहे हों या फिर अंग्रेजी बोलने के लिए सीख रहे हों, जब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, वोकैबुलरी नहीं होगा, सिर्फ ग्रामर से आप क्या कर लीजिएगा, है ना। तो बस बात इतनी ही है कि
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया आप चैनल के अंदर जाइए ना, देखिए बहुत सारा वीडियोस बड़ा पड़ा है, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उन सबको एक्सप्लोर कीजिए। और आपके लिए यूजफुल चीज़ें हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन हिट करने के बाद एक काम और करना पड़ेगा कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तभी अपलोड के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट, यूजफुल और इंटरेस्टिंग चीज़ मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।